Hello and welcome back to The Seeking Soul. If you are watching us for the first time, we are Sudhanshu, Ankita and our dog Star. We are a family of three who have taken a break from our city lives to come to the mountains and work as teaching volunteers. So, हमारे volunteering project के लिए हम पिछले एक साल से लद्दाख में हैं, जिसमें से first 6 months we were in Turtuk and it's a beautiful village on Indo-Pak border. लेकिन जैसे ही winters चालू हुए और क्योंकि ये हमारा पहला winter था लद्दाख में, हम ले आ गए. Because when you compare Leh to other places, Leh is generally well equipped with electricity, food supplies, road connectivity. अपने इस long stay के दौरान, we got to do so many interesting and exciting things and हमने ये गौर किया कि इसमें से बहुत सारी चीजें are generally not known to the regular tourists. Most of the tourists generally come in the summer season and they stick to a standard itinerary doing the conventional things, visiting the regular places like Pangong Lake, Nubra Valley, etc. But let me tell you, Ladakh is very culturally rich. And if you look deeply, there are so many not so known spots and hidden spots jo mainstream tourists ko nahi pata hote hain. These spots are not only exciting, but are also very less frequented by tourists and hence they make a perfect spot to chill away from the crowd. So, aaj ke is video mein hum aapse share karne ja rahe hain aisi hi kuch unconventional things that you can do to make your trip to Ladakh exciting and more awesome. To sabse pehle baat karte hain ek bahut hi interesting jagah ki jiska naam hai Chuterantak. So, ये एक बहुत ही खास गली है जिसके बारे में टूरिस्ट को बहुत कम पता होता है. बहुत ही कम आते हैं टूरिस्ट इस पर. मोस्टली लोकल्स यूज़ करते हैं फॉर थोरोफेयर. इट्स लाइक अ शॉर्टकट फ्रॉम द शांति स्तूपा रोड ऑन दिस साइड टू द डायरेक्टली टू द मेन मार्केट. इसका नाम है Chuterantak. चू का मतलब होता है लद्दाखी में पानी, रंटक का मतलब होता है चक्की. तो एक टाइम पर यहाँ पर पानी की चक्की हुआ करती थी जो अब नहीं है. सो इस गली में आपको मिलती हैं इस तरह से दुकानें जो कि कश्मीरी लोग चलाते हैं. यहाँ पर तंदूर लगे होते हैं और ये बनाते हैं खास ये कश्मीरी रोटियाँ जिनको बोलते हैं ताप्तान. इसी का एक छोटा फॉर्मेट होता है जिसको बोलते हैं गिरदा. और ये बनाते हैं खास एक कुलचा. तो यहाँ का चलन ये है कि आप घर में करी बनाइए, वेदर नॉन वेज करी या वेज करी, और लोग यहाँ से रोटी लेकर जाते हैं और ये दोनों साथ में बहुत ही खास टेस्ट करते हैं. जनाब सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? तारिक अहमद. कहाँ से हैं? श्रीनगर से, बारामूला. बारामूला से? वाओ. और ये दुकान कब से चला रहे? 10-30 साल हो गए. तो यहाँ पर जो Chuterantak बोलते हैं वो कितने साल पहले हुआ करता था? राजाओं के वक्त था ना. राजाओं के वक्त यहाँ पे Chuterantak होता था. और ये एक रोटी कितने का बिकता है? ये 17. ये 17 का जी. कुलचा 10 का. 10 का वो 8 का. वो छोटा कुलचा 8 का भी है जी. और गिरदा कितने का? 10 का. गिरदा 10 का. तो छोटा रोटी 10, बड़ा रोटी 17. हाँ, तो इस रोटी में क्या खास डालते हैं? इस रोटी में थोड़ा सा बटर भी डालते हैं, मिल्क भी डालते हैं, वाटर भी डालते हैं और सॉल्ट डालते हैं. अच्छा. ये लोकल तंदूर होता है इसलिए लाइक करता है बहुत लोग ऐसे खाने के लिए जी. ये अनमोल है, मिट्टी है, मतलब पुराने वक्त की है इसीलिए ये लाइक होता है ज्यादा. सो इस लिस्ट में जो दूसरी चीज है जिसकी हम बात करेंगे इज नॉट रियली अ प्लेस और अ थिंग, इट्स एक्चुअली टाइम. सो डिपेंडिंग ऑन व्हेन डू यू प्लान टू ट्रैवल टू लद्दाख, यू कैन एक्चुअली कैच सम रियली ऑसम फेस्टिवल्स. वन सच फेस्टिवल इज दोसमोछे, अ वेरी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट फेस्टिवल व्हिच इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस मोनास्ट्रीज समवेयर इन द मंथ्स ऑफ फरवरी एंड मार्च एज पर द लूनर बुद्धिस्ट कैलेंडर. जुले जी भैया, यहाँ पे फेस्टिवल जो है ना भैया, ये साल में एक बार होते हैं, मगर ये वाला जो फेस्टिवल है ये हर मोनेस्ट्री का मतलब टर्न टर्न वाइज आते हैं. इस साल जो मशो गुम्पा का ये अभी जो फेस्टिवल यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं वो है मास्क डांस, इसको बोलते हैं लद्दाखी में हमारा छम बोलते हैं और नीचे आप लोगों को मास्क डांस बोलते हैं इसको. ये इसका मतलब मेरे हिसाब मेरे मतलब जितना मुझे पता है उसके हिसाब से वो मतलब बोलते हैं हमारे की हमारा जो शरीर का वो जो आत्मा होता है ना सर, उसको लेके जाते हैं वो लोग. इसलिए सारे लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं कि हम मरने के बाद कैसे कैसे मतलब क्या क्या वहाँ पे आते हैं, रास्ते में कैसे कैसे मिलते हैं उसको, मतलब बिना डरे हुए हम जा सके, ताकि यहाँ पे देखने के बाद फिर हमें ऐसा लगता है कि हाँ इसको हमने पहले भी देखा है, हमारा कोई जान पहचान जैसा. Similarly, you can also catch the beautiful Apricot Blossom Festival, which marks the onset of spring season and is celebrated in a big way across various places in Ladakh.
So the popular tourist season in Ladakh is between April to September, jab temperature is not so cold, it's moderate and it's very easy for people coming from different parts of country to travel safely. But winter has its own charm in Ladakh, jab temperature raat mein minus 20 tak chala jata hai. And an interesting thing that happens during this time is that choti badi water bodies sab frozen ho jati hain, which makes them a perfect spot for you to try your hands on ice skating. On the travel itinerary of most of the people, generally Leh ko bahut hi kam time milta hai, mostly 1 or 2 days, and they generally end up going to the regular famous spots like nearby Triksha Monastery, Hemis Monastery, Nubra Valley, jo generally tour agents or travel agencies include karte hain. But iske alawa bhi Leh mein itni sari khoobsurat jagahein hain jo aap actually explore kar sakte hain, which includes lots of short hikes, multi-day treks, etc. So let's quickly check out some of them. पहले बात करते हैं सेमो कैसल एंड गोम्पा की, विच इज़ अ 700 ईयर्स ओल्ड मोनास्ट्री एंड इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन लेह. आप यहां से लिटरली पूरा लेह सिटी देख सकते हैं, एंड द बेस्ट टाइम टू गो देयर इज इवनिंग टू कैच द ब्यूटिफुल सनसेट्स. इट्स कनेक्टेड वाई अ रोड एंड वन कैन यूज अ कार और अ बाइक, बट द रियल फन इज ऑफ द शॉर्ट 30 to 45 minutes ट्रैक फ्रॉम द लेह पैलेस और द चूबी रोड. In the same way, there is Shanti Stupa, which is a super popular tourist destination, and ye bhi road se connected hai. But the real thrill is taking the walking route and exploring it on foot. Iske alawa, there are a number of multi-day treks around Leh, including the Markha Valley and the Chadar Trek on Zanskar River. The next three items on this list is something that you can buy. Now, these items don't fall into the regular shopping list of tourists, but if you're planning to take something really special from Ladakh, then these things should definitely be on your list. Well, next on the list is something called as a chokse, also called as soltak in Himachali. This is basically like a small coffee table which is used for eating food in the dining area in Ladakh. Ladakh mein zameen par baith kar khane ka rivaaj hai. To hum ye coffee tables rakhte hain aur ye chokse rakhte hain, and you sit on gadda and you have food. You can find shops for these along with other handicraft items near the new bus stand. एक और खूबसूरत चीज़ जो आप यहाँ से खरीद सकते हैं आर दीज कॉपर यूटेंसिल्स, तांबे के बर्तन, जो एक्चुअली अक्सर आपको लोकल लद्दाखी घरों में मिल जाएंगे. दे हैव लाइक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ देम. बहुत ही इंट्रिकेट कार्विंग होती है इन पे और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं. यहाँ से लेफ्ट लेकर मिल जाती है आपको एक और दुकान जहाँ पर एक्चुअली यू सी अ नाइस कलेक्शन ऑफ लोकल ड्रेसेस, वन ऑफ देम बीइंग गोंचा. तो गोंचा एक्चुअली इस तरह से एक लंबा सा क्लोक टाइप का आता है. दिस इज अ मेंस गोंचा, एंड इफ यू वांट टू चेक आउट अ फीमेल गोंचा, अ विमेन गोंचा, इट इज दिस विच हैज मोर डिजाइन ऑन द बेल्ट साइड. दिस आई थिंक लुक्स लाइक अ हाफ गोंचा और अ जैकेट मे बी, बट आई एब्सोल्युटली लव दिस डिजाइन. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इफ यस, देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. और अगर आप हमारी इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल, द सीकिंग सोल. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.